Live, a platform to sharing your thoughts. आपने इस मेले का उद्घाटन किया, साथ ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि यहाँ की जो कलाकृति है उनके साथ करीब 5 लाख रुपए अनाउंसमेंट। हम लोग केवल 5 लाख रुपए की कलाकृतियाँ खरीदेंगे भी नहीं, जो कलाकार यहाँ आए हैं उनको 10-10 हज़ार रुपये के पुरस्कार भी देंगे। और कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य ये है कि जिस राजस्थान में एक्सेप्ट स्नो एंड सी, वी हैव एवरीथिंग इन आवर स्टेट, वी हैव सो मैनी फोर्ट, सो मैनी हवेलीज, एंड यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। वी प्रमोट टूरिज्म थ्रू कल्चर, तो ऐसी स्थिति को देखने के लिए दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और इन कलाकृतियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जगत में इनकी पहचान होती है। तो ये युवा कला मेला जो है ये आर्टिस्टों को प्रोत्साहन देने के लिए है। कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इसीलिए सबसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके गुरु कौन है, क्योंकि गुरु से ही ये परंपरा चलती है, गुरु से सीखते हैं। जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता, एकलव्य जो है उसने गुरु की मूर्ति लगाकर और आप देखिए कितना अच्छा बाण चलाना सीख लिया। तो गुरु जो सिखाता है पास में बैठकर, उससे उनकी पहचान होती है और हर गुरु अपने शिष्य को अपने से आगे देखना चाहता है। ये हमारे भारत की परंपरा रही है। हमारा उद्देश्य ये है कि युवा कलाकार इस क्षेत्र में आगे आएँ, इसीलिए इस मेले के अंतर्गत हम युवा कलाकारों को जो प्रतिभावान है उनको छांटेंगे, 10-10 हज़ार रुपये के उनको पुरस्कार देंगे। और जो अच्छी पेंटिंग्स है एक समिति हमारी जो है कला और संस्कृति विभाग के माध्यम से चयन करेगी, उन कलाकृतियों को 5 लाख की कलाकृतियों को खरीदेगी। और मैं राजस्थान के लोगों का भी आह्वान करना चाहता हूँ कि वे इस मेले को देखें और जो अच्छी पेंटिंग्स हैं उनको अपने घरों में ले जाकर सजाएँ। ये कलाकृतियाँ बहुत अच्छी है, इसमें जो अभिव्यक्ति उन्होंने किए अपने कला के माध्यम से वो बहुत प्रशंसनीय, अनुकरणीय और देखने लायक है। राज्य की जो समसामयिक कला है, राज्य में क्या हो रहा है आर्ट का नया, वो इस मेले में देखने को मिल रहा है। पूरे प्रांत से, पूरे राज्य से लगभग 400 कलाकार इस कला मेले में भाग ले रहे हैं और सब अपनी अपनी विधा में, चाहे चित्र हों, चाहे मूर्ति शिल्प हों, चाहे ग्राफिक हो, छापा कला हो, सभी विधाओं में चित्र यहाँ देखने को मिलेंगे। आर्ट डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, मूर्तियाँ कैसे बनती है ये यहाँ सिखाया जाएगा, जल रंग कैसे होता है वो विधा यहाँ सिखाई जाएगी, फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी, अच्छी अच्छी फिल्में देखने को मिलेंगी, कला फिल्में। तो ये सारी चीज़ें 7 दिन तक लगातार यहाँ चलती रहेंगी। तो मेरा तो यही मानना है कि इस आयोजन का अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा लेना चाहिए। राजस्थान ललित कला एकेडमी के ज़रिए ये इतना खूबसूरत कला मेला पूरे राजस्थान में एक अपनी अलग पहचान बनाए हुए है पिछले कई सालों से। इस कला मेले में जितनी खूबसूरत तस्वीरें, जितनी खूबसूरत पेंटिंग्स यहाँ देखने को मिलती हैं, यहाँ जितने आर्टिस्ट आते हैं वो यकीनन उनका कहीं ना कहीं कोई बड़ा मकाम होता है, लेकिन फिर भी कला मेले में आकर के वो कुछ ना कुछ सीख करके जाते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि राजस्थान कला अकादमी ने इस कला मेले की शुरुआत जब की होगी तो शायद उनको कल्पना भी नहीं होगी कि इससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन मेरा अपना विचार ये है और मैं जितना इसको देखता आया हूँ कि यहाँ से जो आर्टिस्ट निकल रहा है, जो कलाकार निकल रहा है, वो हिंदुस्तान में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। उसकी कला ने तमाम लोगों को, चाहे वो ख़ास हो या आम हो, अपनी तरफ बहुत शिद्दत के साथ आकर्षित किया है। कला मेला सिर्फ घूमने का मेला नहीं है, बल्कि हर कदम पे यहाँ रंगों के साथ आदमी सीखता है और वो रंग आपको मुख्तलिफ जावियों से समझाते हैं कि ज़िंदगी के पहलू और ज़िंदगी की शबोरोज़ और ज़िंदगी के गम और ख़ुशी किस तरह से लोगों में बांटी जा सकती है। तो मैं इस कला मेले के तमाम जितने आयोजक हैं उनको मुबारकबाद देता हूं, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस कला मेले को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करके कला प्रेमियों के लिए एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया है जिसमें आने वाली नस्लें अपनी कला को लोगों तक पहुंचाने में एक ज़रिया बनेगी। City Live, a platform to sharing your thoughts.